ॐ गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसुमं ॐ गं गणपतये नमः। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय दर्शकों, अन्य सभी देवी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुग्दल पुराण, गणेश अंक इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। गणेश जी के इन्हीं 8 अवतारों की संक्षिप्त जानकारी 8 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। विकट अवतार। विकट गणेश जी का 6वां अवतार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर कामासुर भगवान श्रीहरि विष्णु का ही अंश था। जब भगवान श्रीहरि विष्णु ने जलंधर नाम के एक राक्षस को समाप्त करने के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, तब उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कामासुर। कामासुर अत्यंत तेजस्वी था। कामाग्नि की भावना से पैदा होने के कारण उसका नाम कामासुर पड़ा था। इस दैत्य ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। कामासुर ब्रह्मांड को जीतना चाहता था और शुक्राचार्य ने उसकी इस इच्छा को जानने के बाद उसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा। इसके बाद से ही कामासुर ने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उसने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। उसका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ उसे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए बोले। उसने भगवान भोलेनाथ से वरदान में ब्रह्मांड का स्वामी, शिव भक्ति और मृत्युंजय वरदान मांग लिया। भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान भी दे दिया। वरदान मिलने के बाद से ही कामासुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित कर पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद वह स्वर्ग पर भी अपना अधिकार बना लिया। इसके बाद सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महर्षि मुद्गल के मार्गदर्शन में कामासुर से निजात पाने के लिए गणपति बप्पा की अर्चना और उपासना प्रारंभ की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के गणपति महाराज ने विकट अवतार धारण किया। प्रेम से बोलिए, विकट भगवान की जय। गणपति बप्पा के विकट रूप की सवारी मयूर है। सभी ने विकट अवतार के साथ मिलकर कामासुर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में कामासुर के दोनों पुत्र मारे गए। यह देख कामासुर भी समझ गया कि वह जीत नहीं सकता है। ऐसे में विकट के क्रोध से बचने के लिए उसने उनकी शरण ले ली और उनसे क्षमा याचना करने लगा। भगवान गणपति भी उसे क्षमा कर दिए। भगवान गणपति के क्षमा कर देने के बाद कामासुर अपने द्वारा जीते गए समस्त साम्राज्य, जिनका जिनका साम्राज्य था, उन्हें लौटा दिया। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान गणेश के 6वें अवतार विकट अवतार की कथा प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि भगवान गणेश के 6वें अवतार विकट अवतार के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर भगवान गणेश के 7वें अवतार विघ्न राज अवतार की संक्षिप्त कथा लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। गणपति महाराज, जय जय गुरुदेव।